नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक टोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। जमात के जरिए कोरोना की जिले में एंट्री, स्वास्थ्य महकमे में मची खलबली। बिजनौर जिले में मिले 8 कोरोना पॉजिटिव, 10 जगहों के 450 से ज्यादा लोगों को किया गया क्वारंटाइन। सभी लोगों की हुई यूपी के बाहर से एंट्री, कुछ ने लिया था दिल्ली की तबलीगी जमात में हिस्सा। अब बिजनौर में भी कई गांव बने कोरोना हॉटस्पॉट। जी हां, बिजनौर जिले में कोरोना के एक के बाद एक 8 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव इन लोगों के गांवों को सैनिटाइज कर सील कर दिया गया। वहीं इनके परिवार वालों को भी क्वारंटाइन कर उनके सैंपल जाँच के लिए भेजे जाएंगे। इसके साथ ही इन सभी 8 हॉटस्पॉट इलाकों में लोगों को सख्ती से घरों में रहने की हिदायत दी गई है। बिजनौर में प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ पहुँचा हूँ मैं, और मुझको लखनऊ जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सबको अपने अपने ऑफिसों में अपने विभाग का काम भी करना है। बिजनौर, बिजनौर से शाहजहानपुर, वहाँ का मैं प्रभारी हूँ, और लखनऊ पहुँचेंगे। उसी निमित्त यहाँ पर पहुँचा हूँ। बिजनौर में हमारी पूरी टीम, हमारा प्रशासन, जिलाधिकारी, SP, डॉक्टर्स की पूरी टीम, पत्रकार साथियों की पूरी टीम, पुलिसकर्मी, बैंक कर्मी, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का बहुत बढ़िया निर्वहन कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं उन सबको बधाई देता हूँ। चूंकि लॉकडाउन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 3 मई तक और बढ़ाया है, तो हम सब की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और लॉकडाउन का इतना बड़ा कंट्रोल देश के अंदर हुआ है, इतना अन्य किसी देश के अंदर नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि देश के सब बंधुओं ने, नागरिकों ने माननीय प्रधानमंत्री की अपील का, जो पहली बार अपील थी, उसका 100% पालन किया, जिसके कारण से ये महामारी बहुत हद तक नियंत्रण हो पाई। प्रधानमंत्री ने इसको 3 मई तक बढ़ाया है। हम सबको सोशल डिस्टेंस के साथ उसका 100% पालन करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान करना है, उनको बचा के रखना है। जो हमारा ये आरोग्य सेतु है, उसको डाउनलोड करना है सभी को। और आरोग्य सेतु के साथ साथ जो ऐसे बंधु हैं जिनको किसी प्रकार की आर्थिक भोजन की आवश्यकता है, कोई व्यक्ति भोजन से वंचित ना रहे, ऐसे समाज के अग्रणी लोग आगे आकर के उनकी चिंता करेंगे, और इसका सब लोग पालन करते हुए 3 मई तक इसको पालन करना। अपने बिजनौर के अंदर 8 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे के लिए जिलाधिकारी को, CMOs को और सभी पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जो आगे की प्रक्रिया है इसको और सख्ती के साथ, लेकिन जनता से कम्युनिकेशन भी रहना चाहिए। जिन लोगों को परेशानी होती है, उनकी परेशानी को दूर करना भी हम सब की जिम्मेदारी है। तो प्रशासनिक मर्यादा भी रहे और लॉकडाउन का पालन भी हो, ऐसा निर्देश अधिकारियों को। जो हमने क्वारंटाइन करा रखे हैं कोरोना के संदिग्ध लोग, जिनके बारे में सूचना मिली थी कि वो या तो उत्तर प्रदेश से बाहर से आए हैं, या ऐसी संभावना रही है कि उन्होंने दिल्ली के कार्यक्रम में जमात में हिस्सा लिया है, तो उन सबको सभी गांवों से छानबीन कर, परीक्षण करके उनको हमने क्वारंटाइन कराया। 10 स्थानों पर करीब 470 लोगों को क्वारंटाइन कराया गया, और इनको सबको हमने इनका सैंपल लेकर के टेस्ट के लिए भेजा था। टेस्ट सैंपल हमारे 2 जगह गए, शुरुआत में लखनऊ जा रहे थे, उसके बाद मेरठ में जो यहाँ स्थानीय बनाया गया है टेस्टिंग लैब, तो उसमें हमने ये सैंपल्स भेजे। तो करीब 250 सैंपल्स का रिजल्ट हमारे पास 243 का आ गया है। इसमें अभी तक, यानी कल तक, तो कोई हमारे बिजनौर जनपद में कोरोना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन कल से लेकर आज तक जो सूचनाएं हमारे पास आई हैं, उनमें 8 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 3 तहसील नजीबाबाद के विभिन्न गाँव के हैं, 3 अलग अलग गाँव के, 3 तहसील नगीना के, 3 अलग अलग गाँव के हैं, और नहीं, 2 तहसील नगीना के अलग अलग गांव के हैं, और 3 तहसील धामपुर के अलग अलग गांव के हैं। इनका ये प्रोटोकॉल है कि जिन गांव से ये लोग आते हैं, उन गांव को सील कराने का, और उन्हें हॉटस्पॉट डिक्लेयर करके वहां एक मैजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती, सैनिटाइजेशन की कार्यवाही, और इनके परिवार वाले लोगों को भी क्वारंटाइन करना, फिर उनके सैंपल भिजवाना, उन्हें अलग करना, ये सारी कार्यवाही तुरंत प्रारंभ कर दी गई है। तात्पर्य यह है कि ये 8 स्थान हॉटस्पॉट हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिए हैं, वहाँ ड्यूटीज लगा दी गई हैं, वहाँ सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है, और इन स्थानों को सील कर दिया गया है।
सील करने का आशय यह है कि इन गांवों से बाहर किसी का जाना अब अनुमन्य नहीं है और किसी भी व्यक्ति का इन गांवों में अंदर जाना अब अनुमन्य नहीं है। अभी भी हमारे कुछ सैंपल्स पेंडिंग हैं रिपोर्ट के लिए, तो जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती जाएंगी उनको उनके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जनपद में सप्लाई चेन को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। सभी जगहों पर फल और सब्जी का जो डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी है उसकी व्यवस्था की गई। मेडिसिन की दुकानें खुली हुई हैं और उनकी भी डोर स्टेप डिलीवरी की जहां संभव है वहां पर व्यवस्था कराई गई है। और लॉकडाउन सख्ती से मेंटेन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो अपने संबोधन में कहा है कि इसे और सख्ती से मेंटेन करने की जरूरत है, तो हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि अब लॉकडाउन को आने वाले समय में और सख्ती से मेंटेन किया जाए। और ये जिन जगहों पर पॉजिटिव लोग आ गए हैं ये किसी भी स्थिति में उन स्थानों से बाहर इस संक्रमण के फैलने की कोई गुंजाइश न रहे ऐसी व्यवस्था।